स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विपिन चौधरी लैप्सेस मेमोरी। विपिन बाबूकर वॉज सेफली पार्क्ड इन बेट्राम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड। विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंटरियर। विपिन बाबू जो है वो क्या करते हैं, क्योंकि उनकी कार जो थी वो बेतराम स्ट्रीट पर सेफली पार्क हुई थी लाइट हाउस सिनेमा के पास में, वो अपने ड्राइवर को कहते हैं कि अब जो है आपको ड्राइव करो गंगा के पास, यानी कि वहाँ तक आप चलो। जब वो उसमें गाड़ी में बैठते हैं तो उनका जो सिर होता है उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि वो जो व्यक्ति आया था परिमल घोष, वो उसकी बातों को सोच रहे थे और वो उनके कब याद ही नहीं आ रहा था कि वो कभी रांची गए थे। वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचते हैं और वो याद नहीं कर पाते हैं कि वो कभी रांची गए थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इट वॉज इनकॉन्सिबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 ईयर्स एगो। और वे सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो घटना जो है 5-6 साल पहले हुई है वो उनके याद नहीं है, क्योंकि ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी मेमोरी है। अनलेस विपिन बाबू हैड ड्रील, लेकिन फिर भी विपिन बाबू का सोचने की वजह से जो है वो घूमने लगा था। वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड, बट हाउ कुड दैट बी, ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, इट वॉज ए बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग ए रेस्पॉन्सिबल जॉब, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। Only today he spoke for half an hour at an important meeting and yet वो इस बारे में सोचते हैं कि क्या वास्तव में वो उनके जो दिमाग में से वो चीज़ जो है लॉस्ट हो गई है, वो बात जो है लॉस्ट हो गई है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो एक बड़ी फर्म में काम करते हैं, बड़ी कंपनी में काम करते हैं, डेली ऑफिस जाते हैं और वो एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल जॉब करते हैं, एक अच्छी पोस्ट पर वो वर्क कर रहे हैं और कभी भी उनके काम में किसी ने कोई भी कमी नहीं निकाली है, यानी कि वो अपना काम जो है परफेक्टली करते हैं, ऑफिस में जो वर्क करते हैं वो परफेक्टली करते हैं। और आज मीटिंग में ही, जो कि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसमें भी वो 1.5 घंटे तक लगातार बोले और अपनी चीज़ें उन्होंने समझाई। एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ, और वह इस बारे में सोचते हैं कि कुछ तो मैटर है कि उस आदमी को मेरे बारे में काफ़ी कुछ पता है। ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ डेथ, ब्रदर्स इंसेंटिटी। तो वो कहते हैं कि बुक के बारे में कि वो अपनी बुक रखते हैं बैग में, जो हमेशा वो अपने साथ में रखते हैं, उनकी पत्नी की मृत्यु और उनके भाई जो थे जो पागल हो गए थे, ये सारे जो इंसिडेंट थे वो जो व्यक्ति उनको जानता है उसी को उसके बारे में पता होगा। तो इसी के बारे में वो सोचते रहते हैं कि ऐसी मिस्टेक उनसे कैसे हो सकती है कि वो रांची गए और उनके याद नहीं है। नोट ए मिस्टेक ए डेलिब्रेट लाई, फिर वो सोचते हैं कि मिस्टेक नहीं है बल्कि वो व्यक्ति जो है झूठ बोल रहा है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, और वो याद करते हैं कि 58 के दौरान, तो 1958 के दौरान तो पूजा में थे कानपुर में अपने फ्रेंड हरिदास के पास में। ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब वो क्या सोचते हैं कि मैं हरिदास से इस बारे में पूछता हूँ, उसको लिखता हूँ और उसी से ये पूछता हूँ कि हम रांची गए थे या नहीं। विपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान, तभी अचानक से विपिन बाबू को ये याद आता है कि हरिदास अपनी वाइफ के साथ में जापान गया हुआ है और उसे अब उनके पास उनका कोई एड्रेस भी नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन कहाँ से उन्हें प्रूफ मिले, उन्हें प्रूफ की ज़रूरत थी कि जिससे उन्हें पता चले कि वो रांची गए थे या नहीं गए थे। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, और वो अपनी तरफ से पूरी तरह से कन्विंस थे, वो पूरी तरह से मतलब ये पक्का सोचते थे कि वो कभी रांची नहीं गए थे, लेकिन जो व्यक्ति ने जो घटनाएँ बताई, जो चीज़ें बताई, उससे वो परेशान थे। एंड दैट वॉज दैट द रिवर ब्रिज वाज ब्रैचिंग एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर इन विपिन बाबू माइंड,
गाड़ी जो थी वो ब्रिज को पार कर रही थी, लेकिन जो विपिन बापू का जो माइंड था उसमें उथल पुथल मची हुई थी। अराउंड हास्टिंग्स विपिन बापू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। उसी समय इस परेशानी में ही जो विपिन बाबू वो डिसाइड करते हैं अपना ट्राउज़र जो है वो ऊपर करते हैं, क्योंकि परिमल घोष ने उनको बताया था कि उनके राइट नी पर कट लगा था, तो ट्राउज़र को ऊपर करते हैं और अपने राइट नी को देखते हैं। देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और वहाँ पर उनको एक मार्क दिखाई देता है जो एक इंच लंबा कट था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑक्यूर्ड, और ये असंभव था ये बताना कि वह इंजरी वह चोट उनको कब लगी थी। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नीज, ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट। वो ये सोचते हैं कि जब वो एक लड़के थे, युवावस्था में थे, क्या उनको ये कट जब लगा उनकी नी में, लेकिन वो सारी चीज़ें याद करते हैं लेकिन उनके इस बारे में कुछ भी याद नहीं आता है। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी अचानक से विपिन बाबू दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचते हैं जिसके बारे में उस व्यक्ति परिमल घोष ने भी बताया था। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा था कि दिनेश भी उस समय रांची में ही था जिस समय मैं रांची में था। द बेस्ट थिंग्स ओनली वुड बी आस्क हिम, और सबसे अच्छा चीज़ ये रहेगी कि उससे पूछा जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर, क्योंकि वह उनके पास ही रहते हैं, इन मैनडेन स्ट्रीट, व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन जब वो कभी रांची गए नहीं, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन, तो अगर वो उनसे पूछते, उनके माइंड में फिर ये बात आती है विपिन बाबू की कि अगर वो उससे दिनेश मुखर्जी से पूछेंगे तो फिर वो गए कभी है नहीं है, तो वो उनके बारे में क्या सोचेंगे कि उनकी मेमोरी जो है वो मतलब वो लॉस्ट कर गए हैं या उनके याद नहीं है। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, और वो ये कंक्लूजन कर लेंगे, वो ये निष्कर्ष निकाल लेंगे कि जो विपिन बाबू है वो नट्स, यहाँ पर वर्ड आया है, इसका मतलब है वो कि ग्रोइंग मैड, यानी कि वो पागल हो गए हैं, क्रेजी हो गए हैं। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश स्कैसम कुड बी, और वो किस तरह से उनके साथ बिहेव करेंगे, किस तरह की उनका जो है उनके हाव भाव होंगे, उसके बारे में जब विपिन बाबू सोचते हैं तो वो फिर इस अपने आइडिया को क्या कर लेते हैं, ड्रॉप कर लेते हैं कि वो अभी दिनेश मुखर्जी से नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो।